जो आप नोट कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, अगर मैं उसको एनालाइज करूं तो हर एक ने अपना अलग अलग तरीके से नोट बनाया है। क्लास में टीचर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में पढ़ाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप देखिए या इमीडिएट टेस्ट अगर आपको दिया जाए तो हम देखते हैं कि आपके आंसर अलग-अलग होते हैं। क्यों ये आंसर अलग-अलग होते हैं? इसका जवाब ये है कि जब कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जो यहाँ पे स्टिमुलस के फॉर्म में है, तो आपके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे चक्की में आप अगर कोई गेहूं डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग चक्की में पिस रही है, वही हमारा दिमाग एक चक्की की तरह काम करता है जो हर नई नॉलेज को प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पे काम करता है। तो हमारा दिमाग जो है एक तो मतलब हमारे पास एक दिमाग है जो प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को। ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस हुआ और हमने केवल रिस्पॉन्स कर दिया और उसका कॉन्सिक्वेंस एक ट्रायल एंड एरर में ये बॉन्ड बन गया और आपने उस बॉन्ड के आधार पे सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसके आधार पर हम सीखते हैं। तो ये जो बात ये चेंजेस आए, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत पहले से आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ इस कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव पे जो इम्फेसिस आया वो केवल 2005 का जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया उसके बाद ही हमने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। तो लर्निंग इस प्रोसेस के आधार पे क्या है कि हमारे जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में नए एक्सपीरियंसेस जब जुड़ जाते हैं तो उन नए एक्सपीरियंसेस के आधार पे पुराने एक्सपीरियंसेस में चेंज होता है और वो नए नॉलेज और नई मीनिंग कंस्ट्रक्ट होती है। आप देखिए, जब आप करिकुलम को अगर देखिए, आप पाएंगे कि हिस्ट्री का अगर आप लीजिए, गौतम बुद्ध को क्लास 3 में भी पढ़ाया जाता है और गौतम बुद्ध को बीए लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इम्फोसिस अलग अलग होता है। जहाँ लोअर क्लासेस में हम उनकी जीवनी जीवन के बारे में पढ़ाते हैं, हायर क्लासेस में जाते जाते हम उनके जो विचारधारा थी, उन्होंने जो बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, प्रोपाउंड किया, उसके बारे में ज्यादा इम्फोसाइज करते हैं। तो हम कॉन्क्रीट लेवल से चल के और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्थिति में कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ती जाती है, उसी तरह से हम अपने टीचिंग लर्निंग को भी एम्फसाइज और चेंज करते जाते हैं। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हमारी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अर्लियर लर्निंग थ्योरीज को देखिए तो चाहे वो पियाजे हो या डीवी हो, पियाजे हो, ब्रूनर हो, ये सभी लोग कॉग्निटिव थ्योरी से चलते हुए कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर बढ़े हैं। जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो इसमें ये एक अम्ब्रेला टर्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म को आप देखेंगे, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म भी है और आगे आकर के क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बातें हो रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आप डीवी का चाहे उपयोगितावाद ले लें या पियाजे का कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव कॉग्निटिव थ्योरी ले लें,
या ब्रूनर की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ले लें, ये सब उसमें समाहित हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म में अंतर यही है कि कॉग्निटिविज्म जो है, पियाजे जब बात करता है तो वो इंफॉर्मेशन एक डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करता है और उन डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसकी बात करता है। लेकिन जब हम वाइगोत्स्की का कंस्ट्रक्टिविज्म, आगे चल के जब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बातें करते हैं तो उसमें ह्यूमन टच जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। बच्चा अकेले रह करके तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है और उसके एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो कॉग्निटिविस्ट थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दोनों का मिला है। इसमें दिया गया है, ले सारी सार एस्पेक्ट्स के भी दिया गया है। मनुष्य के एक्सपीरियंसेस, बच्चे के कंस्ट्रक्टिविज्म की जब बात की जाती है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये लर्निंग का अप्रोच है, ये टीचिंग की थ्योरी नहीं है। जहां पे जब स्किनर की थ्योरी की हम बात करते हैं तो स्किनर टीचिंग मशीन की थ्योरी के बाद टीचिंग मशीन हुई, टीचिंग अप्रोचेस हुए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिटरमिन करेंगे, वो उसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लिया। लेकिन जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है मेनली कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस कैसे रोल प्ले करते हैं उसके सीखने में, और जो उसने उसके कॉन्सेप्चुअल चेंजेस हो रहे हैं उसमें ये जो नॉलेज उसने एक्वायर की है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो कैसे रोल प्ले करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली ये लर्निंग कैसे होती है इस पे एम्फसाइज करता है, टीचिंग कैसे होती है इस पे एम्फसाइज नहीं करता। टीचिंग बच्चे की लर्निंग के ऊपर आधारित होगी, इस बात को आप आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये लर्निंग कैसे हो रही है बच्चे की उस पे आधारित है, न कि टीचिंग कैसे टीचर कर रहा है उस पे आधारित है। इसीलिए टीचर का रोल कंस्ट्रक्टिविज्म में वो फैसिलिटेटर का रोल कहा जाता है, ताकि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करे। ये बेसिक डिफरेंस है बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस में और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस में, कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन अप्रोच ऑफ लर्निंग नॉट टीचिंग। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग टीचिंग और लर्निंग एक समान नहीं है। मैं बहुत अच्छी टीचर हो सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जितना इफेक्टिव मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही आप सीख भी जाए। क्यों ये जरूरी नहीं है? क्योंकि आपके लर्निंग के एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। मैं यही का एग्जाम्पल दूं, अभी भी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसको आप अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर प्रोसेस कर रहे हैं, और जिन लोगों का एक्सपोजर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से है वो मेरी बात को ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छी तरह से ग्रास्प कर लेंगे। लेकिन जिनका एक्सपोजर नहीं है उनके लिए हो सकता है इन चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो या उनको देर में समझ में आए। तो टीचर एक अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन
बच्चा उसको अच्छे से समझ पाएगा या नहीं, ये बच्चे के अपने एक्सपीरियंसेस पे डिफर करता है। इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि टीचर को डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करने पड़ेंगी जिससे बच्चे के लिए वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, लर्निंग को अच्छे से अच्छी तरह से हो सके। इसको करने के लिए उसको कोई एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड डिपेंडिंग ऑन कि लर्नर का प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है उस पे बेस करके बनाना होगा। और जो बेसिक प्रेमाइज इस कंस्ट्रक्टिविज्म का है, जो मैं बार बार कह रही हूं कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रीवियस इन्फॉर्म एक्सपीरियंस के आधार पे हम प्रोसेस करते हैं, उन पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं और उस रिफ्लेक्शन के आधार पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नॉलेज को जैसा मैं चाह रही हूं मैं वैसा आपको ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो टीचिंग और लर्निंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अच्छी टीचर हो सकती हूँ लेकिन आप हो सकता है उसको अच्छे से लर्न ना कर पाए क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, जब हम ज्यादातर हम जो जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं वो हम वाइगोट्स्की का कंस्ट्रक्टिविज्म लेते हैं जो कि सोशल कॉग्निशन के ऊपर, कॉग्निटिव थ्योरी सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लर्निंग जो है वो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। इसीलिए चूंकि हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, हम अलग अलग कल्चर से आए हैं, हमारा एक्सपोजर अलग अलग है, इसलिए हमारे लर्निंग में भी अंतर होता है। ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 2009 का या 2014 का जो टीचर एजुकेशन का गजट नोटिफिकेशन आया, उसमें एक सिलेबस में एक नया अध्याय जुड़ा जिसको हम लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, ये कैरिकुलम में एक नया कंपोनेंट जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लैंग्वेज का हमारी जो लर्निंग है उस पे बहुत इम्पोर्टेंट असर है, क्योंकि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। और चूंकि लैंग्वेज अलग अलग होती है, जैसे ये कहा जाता है, एग्जांपल मैं देती हूँ, ट्राइबल बच्चों के लिए जो जनजातियों से आते हैं, विभिन्न जनजातियों से बच्चे आते हैं, उनके लिए ये बोला जाता है कि उनको लैंग्वेज भाषा शिक्षण में बहुत प्रॉब्लम होती है, भाषा सीखने में प्रॉब्लम होती है। क्यों भाषा सीखने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनकी अपनी भाषा जो स्टैंडर्ड भाषा स्कूल में पढ़ाई जा रही है उससे अलग है। इसीलिए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी होगी, उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इवन हायर लेवल पे भी हिंदी या इंग्लिश की जगह उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है। ये इम्फेसिस इसीलिए है क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बार आप, क्योंकि आप अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको इंटरेक्ट करने में हेजिटेशन होता है, जबकि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप क्लास में चुप होकर के कुछ बच्चे बैठ जाते हैं केवल इसलिए
कि वो अपने आप को उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है। ये जो एम्फेसिस है, लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसिस या बच्चे के एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फेसिस या उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एम्फेसिस, ये सारा बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में नहीं था। इसलिए जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म ने बहुत मेजर चेंज विजुअलाइज किया है और हर टीचर को, हर टीचर एजुकेटर को, हर पर्सन जो कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है उसको ये एपिस्टेमोलॉजिकल चेंज जो है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या चेंजेस आए? कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज चेंज हो गया, लर्निंग, कैरिकुलम, पेडागॉजी, मोटिवेशन, टीचर, लर्नर और इवैल्यूएशन, इन सभी चीजों में कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो चेंज लाया गया है और इसको आपको जानना बेसिकली बहुत जरूरी है, तभी आप कंस्ट्रक्टिविज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम वन बाय वन इनको लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज लाए गए हैं। पहली चीज जो हम नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज जो है जब हम बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में ये कहा जाता है कि जो टीचर है वो मोस्ट नॉलेजेबल है या जो जो बड़ा जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो मोस्ट नॉलेजेबल है और नॉलेज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। इसीलिए तो हमारे क्लासरूम से ये कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे का माइंड जो होता है वो क्लीन स्लेट है या एम्प्टी वेसल है, खाली घड़ा है जिसमें टीचर सारी इंफॉर्मेशन भर देता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की ओर गए तो हमने ये देखा कि नहीं, नॉलेज गिवन नहीं है, नॉलेज वो नहीं है जो ट्रांसमिट होती है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, बल्कि नॉलेज वो है जो कंस्ट्रक्ट होती है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा खुद डेवलप करता है, कैसे? अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। इसलिए नॉलेज जो है वो गिवन नहीं है। अगर बच्चा नहीं सीखता, आप पियाजे की अगर थ्योरी को देखें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उसने ये कहा है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अगर एक स्टेज तक नहीं हो पाया है तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकता। वो तभी सीखेगा जब उसको उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया है। 2 साल के बच्चे को आप ग्रेजुएशन लेवल के या 10th क्लास की चीजें नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस वैसे होने चाहिए। तो बिहेवियरिस्ट येलो साइड जो आप देख रहे हैं वो बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है और ग्रीन साइड वो कंस्ट्रक्टिविस्ट शिफ्ट है। तो जहां बिहेवियरिज्म में नॉलेज पास्ड आउट है, ट्रांसमिट किया जाता है या दिया जाता है एक्सपीरियंस पर्सन से इनएक्सपीरियंस पर्सन को, वही कंस्ट्रक्टिविज्म में ये एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस पर्सन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक के एक्सपीरियंसेस अपने अपने हैं, बच्चे के भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बच्चा जब क्लास में आता है तो बहुत सारी चीजें सीख करके आता है, वो सही है या गलत है ये अलग बात है, लेकिन उसका उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आधार मान करके हम अगर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं तब तो हम उनका उनको हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज हम हेल्प नहीं कर सकते। तो एक तो चेंज ये आया फ्रॉम गिवन एंड ट्रांसमिटेड टू प्रायर एक्सपीरियंस प्लेइंग मोर इम्पोर्टेंट रोल। और स्पाइरल इसलिए है क्योंकि ये जो
मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे जो नए एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं उनके बेसिस पे मेरे प्रायर एक्सपीरियंसेस चेंज होते जाते हैं। तो इसलिए ये स्पाइरल प्रोसेस है। लर्निंग जो है आप सभी लोग जानते हैं, जब हम ट्रेडिशनल बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं तो हम ये कहते हैं चेंज इन बिहेवियर, इसको हम रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम कोई भी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे स्किनर ने सिखाया कबूतर को डिस्क की ओर मूव करना, या कबूतर को खाना दे करके उसने बहुत सारी चीजें करनी सिखाई। आप जो सर्कस में जानवर जो बहुत सारे एक्ट्स परफॉर्म करते हैं वो इस लर्निंग थ्योरी के ऊपर, स्किनर की रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग थ्योरी के बेसिस पे वो उनको परफॉर्म करना सिखाया जाता है। कोई भी चीज, चाहे आप डॉग को शेक हैंड करना सिखाएं या फिर आप तोते को राम राम बोलना सिखाएं, वो इस कंडीशनिंग थ्योरी, ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी पर बेस्ड है, स्किनर की थ्योरी पर बेस्ड है। लेकिन बच्चे का, जब मैंने बोला कि नॉलेज जो है वो उसकी प्रायर नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही वो अपनी नॉलेज को डेवलप करता है, लर्निंग को डेवलप करता है, वो सीखता है। तो ये भी लर्निंग जहाँ यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है या बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें एक लीनियर प्रोसेस है, हायर से लोअर की ओर चलती रहती है। हायर कौन? जो एक्सपीरियंस टीचर है या पेरेंट्स है, वो बच्चे को जो सिखाते हैं जब वो सीखता रहता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की जब बात करते हैं कि बच्चा जब आपसे ये पूछता है क्यों, ये ऐसा क्यों है, मुझे तो लगता है ये ऐसे होना चाहिए, तो वो अपनी नॉलेज के आधार पे जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा है, और इसलिए वो इस तरह के सवाल सीखता है। तो वो सीखता है, डीलर्न करता है नई और रीलर्न करता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बस एक ये आप इस डायग्राम को देखिए, जो लर्निंग होती है वो हम ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस को जब हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम रीलुक करते हैं नए एक्सपीरियंसेस को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पे रीलुक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके हम फिर से फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। मैंने ट्राइबल चिल्ड्रन, जो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स रहते हैं, बहुत इंटीरियर जो जहाँ पे ये रेड और जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं या उस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन जंगलों में जो बच्चे रहते हैं, ट्राइबल बच्चे रहते हैं, वो बच्चे किस तरह से सीखते हैं और उनकी सीखने में, लर्निंग में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर एक मैंने स्टडी की थी। और वहां पे मैंने पाया कि बच्चे जो आते हैं, ये ट्राइबल बच्चे एकदम जंगलों में रहते हैं, और जंगलों से जब ये स्कूल में आते हैं तो ये इनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, और क्लास फिफ्थ का बच्चा भी अपना नाम हिंदी में नहीं बता पाता, क्योंकि उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं पता, उसकी अपनी मातृभाषा अलग है, ट्राइबल है। मैंने टीचर्स से पूछा कि फिर वो किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी कैसे वो पढ़ाते हैं, तो एक टीचर ने मुझे बताया
कि वो पहले जैसे क पढ़ाना है तो क को वो उनके क से कबूतर वो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में बताते हैं, और फिर ट्राइबल लैंग्वेज में जो कबूतर का नाम है उस नाम को फिर वो हिंदी, जो हिंदी मीडियम से बाद में पढ़ाना है, उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो नए एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ते हैं, जिससे बच्चा ये प्रोसेसिंग करता है, वो अपने नए एक्सपीरियंसेस को पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ फिर से जोड़ करके देखता है, और फिर वो सीखता है कि कबूतर क से जो उनकी भाषा में कबूतर है वही कबूतर हिंदी भाषा में है, और फिर वो क से कबूतर सीख जाता है। तो ये तीन स्टेजेस में चल के उसकी लर्निंग हो रही है। यहाँ पे जिस टीचर ने इस तरह के मीडियम का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने ये ना जानते हुए भी कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, वो भी सेम ट्राइबल ग्रुप का, छत्तीसगढ़ के सेम ट्राइबल एरिया में जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी स्टडी, तब मैंने मुझे पता चला कि ये बच्चे जो हैं ये क्योंकि ट्राइबल बच्चे हैं और जंगलों में रहते हैं, धनुष बाण ये लोग बहुत यूज करते हैं, हर घर में धनुष बाण होता है जिसको ये यूज करते हैं। तो एक टीचर ने अल्फाबेट्स जो थे हिंदी और अंग्रेजी के, उन्होंने अपने गांव का, इनका स्कूल है सामने, काफी सारी जमीन है कैंपस में, उस कैंपस में इन्होंने हिंदी के अल्फाबेट्स को प्लेकार्ड बना करके जमीन पे गाड़ दिया, और इन बच्चों को, क्योंकि इनके पास धनुष बाण होते हैं, छोटे छोटे धनुष बाण दे करके इनको बोला कि क पे मारो या ख पे निशाना लगाओ या ग पे निशाना लगाओ। तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में अपने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सीख पाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग भी हुआ, बच्चों के एक्सपीरियंस को भी यूज किया गया और बच्चों को खेल खेल में सिखाया भी गया। तो जब भी हम, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले टीचर का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है और उस पे बेस करके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाए। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का बेसिक प्रिंसिपल है, और लर्निंग इस तरह से फॉर्मुलेट होती है, डेवलप होती है, तीन स्टेजेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, और फिर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से सीख पाते हैं। अब मैं फिर से उस पे आ जाती हूँ, अपने पुरानी स्लाइड पे। तो ये लर्निंग जो है वो स्पाइरल प्रोसेस है, जैसे एक्सपीरियंस स्पाइरल है, लर्निंग भी स्पाइरल प्रोसेस है, क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं नए एक्सपीरियंस को पुराने एक्सपीरियंस से। अगर इस तरह की लर्निंग है तो कैरिकुलम कैसा होगा? अभी कैरिकुलम हमारा सारा जो होता है फिक्स्ड होता है और यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो कैरिकुलम काफी फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है और कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं भी कंस्ट्रक्टिविज्म को बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर हम एक क्लासरूम में हैं और अगर मैं कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ा रही हूँ, मुझे कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाना है, लेकिन जो आपके एक्सपोजर, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है कि मुझे स्किनर की मैंने बात की, लेकिन हो सकता है रियल क्लासरूम में
मुझे स्किनर के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़े ताकि आप जो नई लर्निंग थ्योरी है और जो पुरानी लर्निंग थ्योरी है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए। तो एक रिजिड और फिक्स क्लास टाइम टेबल लेकर के या कैरिकुलम लेकर के मैं नहीं चल सकती। कैरिकुलम होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाना है, लेकिन ये नहीं कि मुझे एक घंटे में इसके बारे में बता देना है। हो सकता है 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट कैरिकुलम में। इसीलिए आप लोग टीचर एजुकेटर्स हैं, आप यूनिट प्लान की बात करते हैं, एक ही लेसन को कई यूनिट्स में बांध करके हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हम कॉन्सेप्ट मैप के बाद कंस्ट्रक्टिविज्म में करते हैं केवल इसलिए कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख करके हम बता सके और फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने अप्रोच में ला सके। अब पेडागॉजी क्या होगी? अभी तक सारी पेडागॉजी जो है वो टीचर सेंटर है, टीचर डिसाइड करता है क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में चूंकि लर्नर के एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम सब कुछ प्लान करते हैं, जिन ट्राइबल टीचर्स का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया बिना ये जाने हुए कि वो एक नई अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। और उस समय ये स्टडी मैंने की थी जब एनसीईआरटी में हम लोग इस नए कैरिकुलम 2005 के कैरिकुलम को बना ही रहे थे, ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा था, कंस्ट्रक्टिविज्म की पेडागॉजी इवॉल्व हो रही थी। लेकिन देश में कहीं कोने पे किसी जंगल के गांव में ये टीचर इन टीचर्स ने अपने आप इस पेडागॉजी को इवॉल्व कर लिया था और वो यूज भी कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर यूजिंग द मॉडर्न एंड लेटेस्ट पेडागॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्यों इन्होंने ऐसा किया? इसलिए क्योंकि उन टीचर्स ने ये रियलाइज किया कि बच्चे के एक्सपीरियंस जो है वो अलग है और मैं हमारा जो फिक्स्ड कैरिकुलम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अलग है। अगर हम फिक्स्ड मेथड को फॉलो करेंगे तो हम लर्निंग एंश्योर नहीं कर सकते। इसलिए उस विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कैरिकुलम दे इवॉल्व देयर ओन पेडागॉजी और उस पेडागॉजी के आधार पे बच्चों को सेंटर में रख करके, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को सेंटर में रख करके उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं उस स्कूल को विजिट कर रही थी उसी समय एक ट्राइबल लेडी अपने बच्चे को लेकर के आई कि बच्चा स्कूल जाने की जिद कर रहा था और मास्टर जी ये लेट हो गया है लेकिन इसको क्लास में बिठा दो। तो वो टीचर ने उस बच्चे को क्लास में बिठाया, क्योंकि जब आप लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस को फॉलो करते हैं तो लर्नर उसमें इन्वॉल्व होता है। इसी से नेक्स्ट जो चीज हमारी आती है वो है कि मोटिवेशन। लर्नर ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये स्पाइरल प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस वो स्पाइरल है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लेकर हम प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे जाते हैं और उसके बाद हमारे फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं, हमारी रिजल्ट जो होता है वो लर्निंग होती है। तो मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। मोटिवेशन चूंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो टीचर सेंटर्ड है, कैरिकुलम फिक्स्ड है, मुझे क्लास में जाकर के इतना पढ़ाई देना है, बच्चे की समझ में आए या ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एज अ टीचर मैंने अपना सिलेबस खत्म नहीं किया तो मुझे ऊपर से अकाउंटेबिलिटी मेरी फिक्स हो जाएगी और स्टूडेंट्स भी कहेंगे एग्जाम में आपने क्वेश्चन पूछ लिया
लेकिन आपने क्लास में इसको पढ़ाया नहीं और एग्जाम में वॉकआउट होगा। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, टीचर सारी चीजें वन टू ऑल पढ़ाएगा नहीं, टीचर जो है बच्चों को इतना मोटिवेट कर देगा कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, खुद पढ़ के सीखेंगे, खुद प्रोजेक्ट करके सीखेंगे। इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, कोलैबोरेटिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टीम वर्क, पीयर ट्यूटरिंग, बहुत सारी मेथड्स को हम यूज करते हैं, कोई एक नहीं। मैंने आपको बोला कि जब एग्जाम्पल मैंने जो अपनी रिसर्च स्टडी का इसीलिए दिया ताकि आपको पता चल सके कि वो बच्चा अपने आप स्कूल जाना चाह रहा है। तो मोटिवेशन कैसा है उस बच्चे का? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अपने आप स्वयं मोटिवेटेड है, क्योंकि टीचर ने उसको इतना उस बारे में मोटिवेट कर दिया है कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। उसको पहले इसीलिए उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा गया है कि वो बच्चा खुद मोटिवेट होता है, खुद प्रेरित होता है कि वो कुछ करके और उस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख पाए। तो जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर को पढ़ाना है, बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं, आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन रिजल्ट, क्योंकि सारा मोटिवेशन एग्जामिनेशन को पास करने में होता है और सीखने में नहीं होता। जबकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इम्फेसिस है वो सीखने, बच्चा सीखे, ना कि कोई ग्रेड मिले उसको, फर्स्ट क्लास मिले या ए प्लस मिले या ए प्लस प्लस मिले, ये फोकस नहीं है। बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा ये ज्यादा फोकस किया, तभी इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन है बच्चे का, जबकि ट्रेडिशनल क्लास में ये बाह्य मोटिवेशन है, टीचर मोटिवेट करता है और बच्चे पैसिव होते हैं। यहाँ पे टीचर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की टीचर के ऊपर होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में सीखना है या नहीं सीखना है ये बच्चे के अपने ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो क्लास वन का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा हो, वो उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। और टीचर का रोल क्या होता है? टीचर बच्चे को अभिप्रेरित करता है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटर है, गाइड है, वो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करता है कि बच्चे का दिमाग की बैटरी जो है वो एनर्जाइज हो जाए, बच्चा खुद सीखे कि अरे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, और उसको सीख सके। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर का रोल फैसिलिटेटर का रोल होता है, टीचर जो है वो बच्चे के पीछे खड़ा हो जाए, पहले वो बच्चे को एंगेज करता है। आप 5E मॉडल देखिए तो उसमें पहला है बच्चे को एंगेज करना, बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख करके उसको मोटिवेट करना कि वो नए नॉलेज को सीख सके। जब उसमें ये मोटिवेशन डेवलप हो जाता है बच्चे में, बच्चा मोटिवेट हो जाता है, तो टीचर पीछे चला जाता है, वो बैकग्राउंड में खड़ा हो जाता है बच्चे के। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो बिहेवियरिस्ट क्लासरूम है, उसमें टीचर जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। अगर वो क्लास में आएगा तो क्लास पढ़ेगी, अगर वो क्लास में नहीं आएगा तो क्लास नहीं पढ़ेगी। अगर उसने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तब तो एग्जामिनेशन में बच्चे उसको करेंगे, अगर उसने नहीं पढ़ाया है तो बच्चे वॉकआउट करेंगे, वो कहेंगे कि टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, जबकि उसके सिलेबस में है, लेकिन
बच्चे या स्टूडेंट्स खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे कि अगर टीचर ने ये क्लास में नहीं पढ़ाया, मेरे सिलेबस में है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको पढ़ूं। तो ये जो है ये डिफरेंस है टीचर में। टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इम्पार्टर ऑफ नॉलेज है, सोल जो नॉलेज जो है वो सब कुछ टीचर में ही निहित है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर एनर्जाइजर है, एनर्जी प्रदान करता है, फैसिलिटेट करता है, जहां बच्चे को प्रॉब्लम आती है वहां पे वो उसकी हेल्प भी कर देता है, जहां बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको डिस्कशन करके उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमेशा वो बैकग्राउंड में चला जाता है, वो आगे आगे बढ़ के काम नहीं करता है, वो बच्चे के पीछे खड़ा रहता है, सपोर्टिंग रोल में रहता है और लर्नर का रोल मेन हो जाता है। तो लर्नर कंस्ट्रक्टिविस्ट में अप्रोच में कैसा होगा, लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, अकाउंटेबल होगा अपनी सक्सेस एंड फेल्योर के लिए खुद। टीचर पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था इसलिए बच्चे ने नहीं पढ़ा। टीचर को आप इसलिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कि टीचर ने बच्चे को मोटिवेट नहीं किया, अभिप्रेरित नहीं किया इतना कि बच्चा पढ़ सके, लेकिन टीचर ने पढ़ाया नहीं इसलिए बच्चे ने पढ़ा नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा इंक्वायरी करता है, बच्चा क्वेश्चन करता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और फिर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में या बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में बच्चा क्लास में आकर के बैठ जाता है, क्वेश्चन नहीं रेज करता या क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करता है तो टीचर उसको चुप करा के बिठा देता है या टीचर उसके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता है, तो बच्चे की जो इंक्विजिटिव माइंड है वो धीरे धीरे सप्रेस कर दिया जाता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में उनकी इंक्विजिटिव माइंड को एनर्जाइज किया जाता है। इसलिए जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चा कुछ नई चीजें इन्वेंट करेगा, बच्चा क्रिटिकल थिंक